नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को आईना दिखाया था और साथ ही अपील की थी कि ये सरकार आम जनता की भी सुने, मगर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सोनिया गांधी की बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने इसका जवाब देते हुए सोनिया पर गुमराह करने का आरोप लगा डाला। मोदी सरकार ने जब से नागरिकता संशोधन कानून को हरी झंडी दिखाई है, देश भर की जनता सड़क पर है। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर जगह हक की आवाज बुलंद की जा रही है और इस कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। आम जनता के साथ साथ विपक्षी दल भी सरकार के कानून तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए लगातार अपनी बात रख रहे हैं, मगर हमारे देश की वित्त मंत्री को तो विपक्ष ही गलत दिखाई दे रहा है। तभी तो उन्होंने मौजूदा स्थिति के लिए विपक्ष पर ही ठीकरा फोड़ दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो भारत के सभी नागरिकों से अपील करती हैं कि वो इस भ्रम और डर की स्थिति में नहीं पड़े। कांग्रेस, तृणमूल और आम आदमी पार्टी के साथ साथ लेफ्ट पार्टियां संशोधित कानूनों को लेकर डर पैदा कर रही हैं। वहीं उन्होंने सोनिया गांधी पर भी गुमराह करने का आरोप लगाया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के लोगों को भ्रमित और गुमराह कर रही हैं और गलत तरीके से इसे NRC से जोड़ रही हैं। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए उन लोगों को नागरिकता मिलेगी जिन्हें वहाँ धर्म के आधार पर सताया गया है, लेकिन सोनिया गांधी लोगों में डर पैदा कर रही हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले सोनिया गांधी ने सरकार के बिल को लेकर उसे आईना दिखाया था। लोकतंत्र में लोगों को सरकार के गलत फैसलों और नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने और अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। इसी प्रकार सरकार का भी कर्तव्य है कि वह नागरिकों की बात सुने और उनकी चिंताओं को दूर करे। सोनिया गांधी के इस बयान से BJP इस कदर बौखलाई कि निर्मला सीतारमण उन्हें घेरने आ गईं और उन पर ही आरोप मर डाले। DB लाइव की रिपोर्ट।